कैमरामैन मानस स्वाई हत्या घटनारे जे मास्टरमाइंड शर्मिष्ठा को खोजुछे पुलिस, किंतु शर्मिष्ठा वर्तमान कोठी निजक आत्मगोपन करिछंती एवं ता होछ गोटे बड़ प्रश्न। तेबे कमिश्नरेट पुलिस रो स्पेशल स्क्वाड वर्तमान समय विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ जारी रखी। शर्मिष्ठा को वर्तमान समय कहा जेहेतु से होछंती मुख्य अभियुक्त, तेणु तांकु निश्चित संपूर्ण भाव में पूरा पता लगे तुरंत गिरफ्त करने पुलिस चढ़ाऊ जारी रखी। तेज गोटे चांचल्यकर कथा वर्तमान समय सामना को आसी, जहाँकि चांदवाली रही चांचल्यकर सत आसी आखिदेखा कहानी बोली कहु। स्थानीय जड़े सांबादिका प्रेस लेखा गाड़ी में दुई महिला और तीन पुरुष आसी जोटि की मानस पहुंची थे भिडियोग्राफी बाहाघर जो सुटिंग करुते मानस को डाक धमक दे शर्मिष्ठा और तुम्हें किसी मेमोरी चिप्स को लेकिन सेठे जुक्तितर्क सहित होता कहुई सेठे शर्मिष्ठा मानस को चापुड़ा मारी कथा कहुई। से ही गाड़ी में परवर्त समय मानस को उठाई आनी निज ग्यांग जो मैंने भी सामिल होते से समस्ते से ही गाड़ी में रही है से स्थानीय रिपोर्टर जनक कहते। तेज शर्मिष्ठा ग्यांग हत्याकांड में शर्मिष्ठा संपृक्ति ये जो चर्चा पूर्व होता आहरी कोटनाकोटी सत्य हो कहीं जो कथाटी सामना को आसी आखिदेखा कहानी जहाँ सामना को आसी बयान कर पूर्व जो चर्चा होता कोटनाकोटी सत अपहरण भुवनेश्वर अणा एठार हत्या कर नयगढ़ में पोती देवा यह सब घटन कोटनाकोटी शर्मिष्ठा संपृक्ति दृढ़ रही सत्य हो चर्चा निखोज अच्छा एवं शर्मिष्ठा भुवनेश्वर आश्रम पड़सा घर आउ गोटे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ मिली एवं पुलिस को पुलिस हाथ में लगी पड़सा घर जबत हो सीसीटीवी हार्ड डिस्क निश्चित भाव में किसी हे तो सुराग मिलपे पुलिस को बोली कहु कहीं अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण तथ्य एथर हे तो लगे प्रकृत से दिन कौन घटी क्यों क्यों मैंने सांगे रही थे मानसिक सहित कौन से दिन घटना घटी ए सब बाबद पुलिस को गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिली कहुच्छे। आसत नजर पकड़ बर्तमान प्रतिक्रिया ना जो मानस बोली जो पिलाटा को से जो मैडम आसते सी दी छपे पकेले मत पचारे कह तू आगे 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 पचारे कि तुम आम मेमोरी कार्ड कहीं ना मेमोरी कार्ड ना भुवनेश्वर अच्छे दी छपटे पक कहले कि हाँ मेमोरी कार्ड दबू कह तू टाणे आ सी कौन प्रतिक्रिया प्रकाश नक सहित जमी अफिस् स्टाफ भाई जाइए से कथाटा कहली जी हाँ मुझे आगे से मारिकले गाड़ी में आम न्यूज देखला बेलू से पिलाटा आम देख लु न्यूज से पिला को मारी दी के लोक से गाड़ी पांच जन थे दीटा लेडीज थे तीन जन जेन्ट्स थे मारे किसी आलोचना हाँ कहते भितर बचे सकता जी आम कैमेरा नहीं मेमोरी नहीं चलो आम दबू आम अफिस दबू ये करूँ से कर दी तीन मिनट रही बेस समय नुह से भी किसी मास्क पिंधे आउ कि आपको देखिले जानी हबो छे जो सिलुकडे माइक थिला त देखिले चिन्ह हबो। अधिक आलोचना करबा हम सहित जोडी होछंती अरुण साहू अछंती न्यूज रूम रो हम प्रतिनिधि। अरुण ये घटना रे जो आखी देखा कहानी बा जो सत सामना को आसुची जो कथा हम प्रतिक्रिया रे मध्ये सुनुथिले ये घटना कोटना कोछि पुलिस को आउटिके सुराक देछि बा तथ्य देछि जहा कि संपृक्ति कथा रहुथिला मुख्य अभियुक्त शर्मिष्ठांकर तांको ये सक्त करिछि ए प्रतिक्रिया देखो कैमरा पर्सन जे कि अच्छा मानस स्वाई हत्याकांड को वर्तमान दिन पर दिन बीती जापरिक देढ़ मास बीती जाए कि ये घटन जी कि मुख्य अभियुक्त जी कहु शर्मिष्ठा राउत एवं भी से फेरार अच्छा सहित आउ जे महिला जी कि झुना बोई आउ जे अभियुक्त से वर्तमान भी फेरार अच्छा तो आज जो कथा चांचल्यकर कथा सामना को आसी चांदवाल जैक जे जड़े वेब पोर्टाल सांबादिक जी कि सूचना देखते जहाँकि से कमी अपहरण करागला कौन कही मागिले कमी भाव में शर्मिष्ठा पिटिले से सब कथा सी गोटे कथा कहते जे जो गत मस सात तारीख अपहरण कराइला चांदवाल जो अंचल से जो वेब पोर्टाल सांबादिक जनक उपस्थित थे सीधा साल आखि आगे मेमोरी कार्ड मागि थे मेमोरी कार्ड कोर्ट कथा 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 से कही जितेबाला से भुवनेश्वर करते से ही समय गालर दुईट शक्त चापुड़ा थे से पाखापाखि पांच जन शर्मिष्ठा राउत से खुद उपस्थित थे सीधा साल भुवनेश्वर अपहरण कर जहाँफल से सात तारिख दिन विलंबित रात जहाँकि आश्रम उपर महला रही खट उपर पिटी पिटी हत्या करते भोर पांचटा समय पोतिया योजना करेषर पोती तो निहती भाव में देखो ये घटना जेहेतु
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତିନି ଜଣ ସେଠାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ତିନି ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ କି ଚାନ୍ଦୁଆଲୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତଘନା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି, ଯେ କି ଯେ କମିଶନର ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇଛି, କମିଶନର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କି ଆଶ୍ରମ ଆଖପାଖରେ ଲାଗିଥିବା କିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିଛି। ଜଣେ ଯେଉଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ହାର୍ଡଡିସ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛି ପୋଲିସ। ତ ହାର୍ଡଡିସ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା ପରଦିନ ଠାରୁ କ'ଣ ଘଟଣା ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କି, ବା 12 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯେ କି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ତାହାର କିଛି ଚିତ୍ର ସେଥିରେ କଏଦ ହୋଇଛି କି କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବା ସେ 12 ତାରିଖ ପରଠୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଫେରାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୁଏତ ପୋଲିସକୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ସେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଯେଉଁ ହାର୍ଡଡିସ୍କଟାକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଇଛି। ନିହାତିବା ପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଦିନର ବେକଅପ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି, ଯେ କି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନସଙ୍କର ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ମାନସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, କାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଡଡିସ୍କରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ରହିଯାଇଥିବ ବା ସିସିଟିଭିରେ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ରହିଯାଇଥିବ, ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି କି ମାନସ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଲା, ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ଆଶ୍ରମ ନାଁ ବଦନାମ ହୋଇଯିବ, ତ ଯଦି ହେଉଛି ସେ ହାର୍ଡଡିସ୍କଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଦେବି ବୋଲି ଏଭଳି କଥା। ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ପୋଲିସର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।